माई चैनल। आज हम सीखेंगे तवा पिज्जा और आटा पिज्जा की रेसिपी इंस्टेंटली कैसे बना सकते हैं। मुझे मालूम है आजकल की जनरेशन को बहुत पसंद है पिज्जा और जल्दी जल्दी घर पे बन जाए तो क्या बात है। तो आइए अब हम देखते हैं हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसके लिए। सबसे पहले मैदा चाहिए गूंदा हुआ, जिसको भी आपने जिसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर आप यूज कर सकते हो उसको फुलाने के लिए, मैंने गूंद के रख लिया है। दूसरा आपको टमाटर, कटी हुई प्याज, मैं शिमला मिर्च, गाजर यूज कर रही हूँ, कटी हुई मिर्च, लहसुन, आप जो मर्जी वेजिटेबल्स अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। बाकी मुझे चाहिए होगी सॉसेस, मैंने यहाँ पे रेड सॉस यूज की है और अदरक की सॉस यूज की है। आप लोग अलग तरह की सॉसेस अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, आप लोग ग्रीन सॉस, सोया सॉस, जो आप चाहें टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक चाहिए और घी, रिफाइंड या ऑयल अपने अकॉर्डिंग आपको चाहिए। और हमें चाहिए क्रश किया हुआ चीज। चीज में आपको ध्यान रहे मोजरेला चीज ही यूज करें, क्योंकि तवे पे इसी चीज से आपका जो पिज्जा है वो अच्छा बनता है, राइट। अगर आप चाहें तो दूसरे चीज को टॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मैं नहीं कर रही हूं। अब हमने क्या करना है, मैदे का पेड़ा बना लेना है इस तरह से। आप लोग चाहें तो मार्केट का जो बेस है जो यूज कर सकते हैं, जो बना बनाया होता है। मैंने ये होममेड आटा का यूज किया है और मैदे का यूज किया है, ऐसे मैं बेल ले रही हूँ इसको रोटी के आकार में गोल गोल। आइए अब हम तैयार करते हैं आटा पिज्जा। टॉपिंग्स क्या क्या करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक साइड मैंने गैस भी ऑन कर लिया और अपना तवा भी रख दिया है। इसमें आप थोड़ी सी घी डाल लीजिए। जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक हम टॉपिंग्स तैयार। सबसे पहले आपको सॉस लेनी है, सॉस को इस तरह से फैला लेना है अपनी बेस पे, बहुत अच्छे से पूरा। अभी हमने सॉस फैला लिया है, मैंने जो अदरक चटनी थी मैं वो भी यूज कर रही हूँ। आप लोग ग्रीन चटनी जो जो आप ऐड करना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग इस तरह से आपको चटनी इसको फैला लेना है। अब हम इसमें वेजिटेबल की टॉपिंग्स करेंगे, शिमला मिर्च। जितनी ज्यादा आप वेजिटेबल्स और चीज यूज करेंगे उतना अच्छा आपका पिज्जा बनेगा। इस तरह से मैंने इसे डेकोरेट कर दिया है शिमला मिर्च से, ऑनियन। आप लोग चाहे तो कॉर्न्स भी यूज कर सकते हैं, कॉर्न से भी काफी अच्छा बनता है। एक्चुअली मुझे कॉर्न्स पसंद नहीं है इसलिए मैं कॉर्न्स यूज नहीं कर रही। मिर्ची, लहसुन आपकी चॉइस है, आप चाहें तो यूज करें, अदरवाइज चटनी में भी यूज कर सकते हैं। सॉसेस में भी लहसुन ऑलरेडी होती है, मैं गाजर भी यूज कर रही हूँ। मतलब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आप वेजिटेबल यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। अब लास्ट में हमने इसमें क्या करना है, जो चीज है वो आपने अच्छी तरह से फैला देनी है, यस, इस तरह से। जितना आपका स्टफिंग रहेगा उतना अच्छा आपका पिज्जा बनेगा। इसके बाद मैं मिर्ची थोड़ी सी यूज कर रही हूँ, थोड़ा मुझे स्पाइसी पसंद है इसलिए। अब देखिए हमारा घी भी गर्म हो गया होगा। अब मैंने ये तवे पे रख दिया है बेस, इस तरह से गर्म हो गया है घी। अब इसको आपको जो तवे पे है कम से कम 5 मिनट रखना है, लेकिन वो भी कवर करके। अब ये देखिए मैंने इसे कवर कर दिया है, ठीक है, इस तरह से आप कवर कर सकते हैं। अब इसे 5 मिनट तक पकाएं, ये हो जाएगा। चुका है, बिल्कुल मेल्ट हो चुका है आपका चीज, अच्छे से आप चेक कर सकते हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और पिज्जा को निकाल लेंगे। देखिए अब आपका ये पिज्जा बिल्कुल तैयार है। कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी, कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।